घने जंगलों के पास एक डाबरी नाम का छोटा सा गांव था। उस गांव के पीछे एक बहुत बड़ा और घना जंगल था। बस उसी जंगल के बीचों बीच एक और दुनिया थी। वो थी भूतों और चुड़ैलों की दुनिया। गांव के सभी लोग उन भूतों और चुड़ैलों से बहुत परेशान थे, क्योंकि उन भूतों और चुड़ैलों की टोली कभी भी गाँव में घुस आती और एक इंसान को अपने साथ उठाकर ले जाते। हम कब तक ऐसे ही हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे? कुछ तो करना होगा हम सबको मिलकर, नहीं तो इस गांव में एक भी इंसान नहीं बचेगा। वो भूत किसी को नहीं छोड़ेंगे। वो भूत और साथ में चुड़ैल भी, वो एक टोली बनाकर आते हैं और गांव में घुस जाते हैं। उनका सामना हम तो क्या कोई भी नहीं कर सकता। देखा था ना कल क्या हुआ था। शंकर ने उन भूतों से भिड़ने की कोशिश की और वो भूत उसे ही उठा ले गए। वो भूत मेरे पति को उठा कर ले गए। वो भूत मेरे पति को मार डालेंगे। उन्हें बचा लो कोई तो, अब मैं उनके बिना कैसे जीऊंगी। अरे कोई तो बचा लो उन्हें। मीना मीना अपने आप को संभालो। तुम्हें तो पता ही है कि उन भूतों से हम सभी बहुत परेशान हैं। वो भूत कभी भी गांव में घुस आते हैं और एक इंसान को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। उनके साथ वो क्या करते हैं किसी को कुछ नहीं पता। गांव के सभी लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां एक बूढ़ी चुड़ैल आती है। वो देखो चुड़ैल, ये चुड़ैल हमें घूर कर देख रही है। शायद ये अब हम सबको खा जाएगी। डरो मत तुम सब मुझसे, मैं उन चुड़ैलों की तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ जो गाँव के इंसानों को उठाकर ले जाती है। चुड़ैल तो चुड़ैल होती है, और वो इंसानों को पहले बातों में इसी तरह बहकाती है और फिर उन्हें अपना शिकार बनाती है। तुम भी बिल्कुल उन्हीं की तरह हो। नहीं नहीं, मेरा विश्वास करो, मैं उन जैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। मेरा नाम कावेरी है। मुझे मरने के बाद मुक्ति नहीं मिली और मैं इसी तरह सालों से चुड़ैल बनकर भटक रही हूँ। शायद ऊपर वाले ने मुझे तुम्हारे लिए ही भेजा है, तुम सबकी मदद करने। तुम तो चुड़ैल हो, तुम चुड़ैल होकर हमारी मदद कैसे कर सकती हो? क्या तुम हमारे गांव की औरतों के सभी पतियों को भूतों के पास से वापस ला सकती हो? मैं उन्हें नहीं ला सकती क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं है, पर मैं तुम सबको उन भूतों चुड़ैलों की टोली से बचाने की पूरी कोशिश करूंगी। गांव से निकलकर चुड़ैल भूतों और चुड़ैलों की दुनिया में पहुंच जाती है, उनमें घुल मिल जाती है। कावेरी चुड़ैल एक पेड़ के नीचे बैठकर कुछ सोच रही होती है कि तभी वीना नाम की चुड़ैल उसके पास आती है। तुम यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? आओ हमारे साथ और मजे करो। देखो उधर, आज हमारी टोली का नंदू भूत खेल में जीता है, इसलिए इंसान को खाने का पहला हक उसका है। उसके बाद हम सब खाते हैं बचा खुचा। बस हम उसकी जीत की खुशी मना रहे थे, अब जल्दी चलो। नहीं, मेरा मन नहीं है। तुम सब खुशी मनाओ जाकर, और वैसे भी मैं इंसानों का मांस नहीं खाती। हैं? इंसानी मांस नहीं खाती? अगर कल तुम जीती तो तुम्हें इंसानी मांस खाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये रूल हमारे सरदार का बनाया हुआ है। उनकी कोई भी बात हम नहीं टालते। उनके कहने पर तुम्हें इंसानी मांस खाना ही पड़ेगा, नहीं खाया तो सजा मिलेगी। सभी चुड़ैलें कावेरी को इतना बोलकर चली जाती हैं। फिर चुड़ैल गांव में जाती है और एक जगह जाकर बैठ जाती है। क्या हुआ? कहीं इस सोच में तो नहीं हो कि हमसे किया वादा आप कैसे निभाओगी? तुमने खुद ही देख लिया ना कि वो भूत कितने ताकतवर हैं। इसका मतलब वो भूतों की टोली फिर से आएगी हमारे गांव में और हम सब तमाशा देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो ताकतवर है। हमें ताकत का नहीं, दिमाग का इस्तेमाल करना है, जिससे कि लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए। हम सब ने चुड़ैल पर यानी कि तुम पर भरोसा किया है, इसलिए तुम्हें ही कुछ करना होगा। गांव के लोग बहुत भोले हैं, वो अपने परिवार को पहले बचाएंगे चाहे उन्हें खुद को उन भूतों के हवाले करना पड़े। गांव के सभी लोग एक ही जगह इकट्ठे होकर चुड़ैल से बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां भूतों और चुड़ैलों की टोली आ जाती है। तुमने हमें धोखा दिया, हमारी तरफ होकर इन गांव के लोगों की मदद करने चली, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। हाँ, मैं इन गांव वालों के साथ हूँ और इनकी मदद के लिए ही आई हूँ। मैं इन्हें कुछ नहीं होने दूंगी। आज के बाद तुम इन्हें हाथ भी नहीं लगा सकते। ये गांव हमारा है, इसलिए इस गांव के लोगों पर भी हमारा ही हक है। हम इनका चाहे कुछ भी करें। फिर
चुड़ैल और भूतों की टोली के सभी भूतों में बहस छिड़ जाती है। तभी कावेरी चुड़ैल को एक उपाय सूझता है। हम सब बहस बंद करते हैं और एक कॉम्पिटिशन रखते हैं। 15 अगस्त आने वाला है, उस दिन सभी पतंग उड़ाते हैं, इसलिए हम भी पतंग उड़ाएंगे। यहाँ मैं अकेली और वहाँ तुम सब, दो टीम रहेगी। अगर पतंगबाजी में तुम सब जीते तो ये पूरा गांव तुम्हारा, उसमें रहने वाले हर प्राणी पर तुम्हारा हक होगा। और अगर मैं जीती तो तुम सबको ये गांव तो क्या जंगल भी छोड़कर जाना होगा। ये तुम क्या बोले जा रही हो? हमने तुम पर विश्वास किया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हम सबकी जाने इन भूतों के हवाले कर दोगी। तुम बस देखते जाओ, इन सबको लालच देना जरूरी था, तभी तुम्हें भूतों से छुटकारा मिलेगा। हमें मंजूर है, अब हम सब 15 अगस्त के दिन ही आएंगे, उसके बाद हम सब मिलकर दावत उड़ाएंगे। सरदार, ये तो बहुत ही आसान है। जब मैं बहुत छोटा था तब खूब पतंग उड़ाया करता था, मुझे अच्छे से आती है पतंग उड़ानी। इस चुड़ैल को तो मैं यूं हरा दूंगा। सरदार के साथ उसकी टोली भी हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। ये तुमने क्या कर दिया, अब हम सब मरेंगे, वो भूत हमें कच्चा खा जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा शारदा, तुम्हारा बेटा बहुत अच्छी पतंग उड़ाता है, क्या वो मुझे पतंग उड़ाना सिखाएगा? हाँ क्यों नहीं, और तुम्हारे साथ हम सब भी पतंग उड़ाना सीखेंगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हाथ पर हाथ रखने से अच्छा है कि कुछ तो करो, क्या पता हमारी जीत रंग ले आए और हमें इन सब भूतों से मुक्ति मिल जाए। शारदा का बेटा मिंकू चुड़ैल को पतंग उड़ाना सिखाता है। वहाँ जंगल में भूत और चुड़ैल मिलकर पतंग उड़ाने की कोशिश करते हैं, कभी वो फट जाती तो कभी पेड़ में अटक जाती। वहाँ गांव में मिंकू चुड़ैल को पतंग उड़ाना सिखा चुका था, चुड़ैल बहुत ही अच्छे से पतंग उड़ा रही थी। गांव के सभी लोग भी अपनी अपनी कोशिश में लगे हुए थे। कुछ दिन बीतते ही आखिर वो दिन आ ही गया, 15 अगस्त। सरदार अपनी टोली के साथ गांव में पहुंच चुका था। इनके हाथों में जो पतंगे हैं वो हमारी पतंगों से काफी अच्छी और मजबूत दिखती हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, क्योंकि ये सब पूरी तैयारी के साथ आए हैं। थोड़ा सब्र करो, चुड़ैल हमारे साथ है, उसने हम सब से वादा किया है हमें बचाने का, वो जरूर बचाएगी हमें। तो फिर शुरू किया जाए कंपटीशन, ये तो बाद में पता चलेगा कि कौन जीतेगा, अपने वादे पर डटे रहना तुम। सभी भूत और चुड़ैल अपनी अपनी पतंगों को आसमान में उड़ाने लगते हैं। आसमान पतंगों से भर गया था, चुड़ैल एक के बाद एक पतंगे काटी जा रही थी। ये सब देखकर सरदार को बहुत गुस्सा आ रहा था। मूर्खो, जरा ढंग से उड़ाओ अपनी पतंगे, वो चुड़ैल हमारी पतंगे काटे जा रही है, ऐसे तो हम हार जाएंगे और वो जीत जाएंगी। सरदार अपने मुंह से बहुत तेज हवा फूंकता है, हवा के कारण चुड़ैल की पतंग दूसरी दिशा में चली जाती है और एक पेड़ पर अटक जाती है। ये क्या, हवा का रुख तो इस तरफ है, फिर मेरी पतंग गलत दिशा में कैसे जा सकती है, कहीं इसमें इनकी कोई बेईमानी तो नहीं? हाँ मैंने देखा, वो बड़े वाले भूत ने फूंक मारकर हमारी पतंग को पेड़ में अटकाया है। अच्छा तो ये बात है, इन्हें तो मैं बताती हूँ अभी। तभी चुड़ैल को अपनी चुड़ैल सहेलियों का ध्यान आता है जो उसी पेड़ पर रहती थी। चुड़ैल उन सभी को याद करती है, वो सभी चुड़ैल उसके सामने प्रकट हो जाती हैं, पर उसके अलावा किसी को दिखाई नहीं देता। मैं बहुत बड़ी दुविधा में फंसी हुई हूँ, क्या तुम सब मुझे जिताने में मेरी मदद कर सकती हो? हाँ क्यों नहीं, ये तो बहुत ही आसान है। तीन चुड़ैल हवा में घुल जाती हैं और पतंग की ताकत बन जाती है। तभी पतंग आसानी से पेड़ से उतर जाती है, उसके बाद चाकू की तेज धार की तरह पतंग सरदार के सभी भूतों की पतंग एक के बाद एक काट डालती है। ऊपर आसमान में बस एक ही पतंग लहरा रही थी, वो थी चुड़ैल की पतंग। पूरा गांव चुड़ैल की जीत पर तालियां बजा रहा था और सभी बहुत खुश थे। सरदार मैं जीत गई, अब तुम अपना वादा पूरा करो,
ये गांव और जंगल छोड़कर तुम सबको यहाँ से अभी जाना होगा। अब तुम सब आजाद हो, वो भूत तुम्हारा अब कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरा काम पूरा हुआ, इसलिए मुझे अब जाना होगा। चुड़ैल अपनी सहेलियों को धन्यवाद करती है और वहाँ से चली। एक समय की बात है, सहारनपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव में एक बहुत ही गरीब परिवार रहता था, जिसमें हरिया, शांति और उनके दो बच्चे राजू और पिंकी रहते थे। एक दिन की बात है, जब राजू और पिंकी दोनों अपनी माँ के साथ बाजार जाते हैं, वहाँ बाजार में बड़ी ही सुंदर सुंदर पतंग मिल रही होती है। राजू तो उन पतंगों को देखता ही रह जाता है। क्या हुआ राजू, यहाँ खड़े क्या देख रहे हो? वो देखो, कितनी सुंदर सुंदर पतंग है, मुझे भी ये पतंग चाहिए। कैसी बातें कर रहे हो, ये पतंग पता भी है कितनी महंगी होगी, हम इसे लेने का सोच भी नहीं सकते। चलो अब जल्दी चलो, वरना माँ आगे निकल जाएगी। पिंकी इतना कहकर अपनी माँ के पीछे पीछे जाने लगती है और राजू उन पतंगों को बड़ी उम्मीद से देखता हुआ उसके पीछे पीछे चलने लगता है। घर आने के बाद भी राजू का दिमाग उन पतंगों में ही होता है। अगले दिन जब राजू और पिंकी स्कूल जाते हैं तो पिंकी राजू से बोलती है, क्या तुम अभी तक उस पतंग की वजह से मुंह बनाए हो? हाँ तो, तुम लड़की हो, तुमको क्या पता कि लड़कों को कितना शौक होता है पतंग उड़ाने का। साल में एक बार ही ऐसा मौका मिलता है, सब दोस्त पतंग उड़ाते हैं। आसमान कितना सुंदर दिखता है और कितना मजा आता है। खैर, तुम ये सब बातें छोड़ो। राजू और पिंकी दोनों स्कूल जाते हैं। स्कूल में सब 15 अगस्त की बातें कर रहे होते हैं। राजू बेचारा चुपचाप सबकी बातें सुनता रहता है। स्कूल की छुट्टी हो जाती है और जब दोनों घर वापस आ रहे होते हैं तो राजू को पेड़ में एक पतंग अटकी हुई दिखाई देती है। राजू तो उस पतंग को देखकर एकदम खुश हो जाता है। पिंकी, वो देखो तो जरा, मुझे क्या मिला, कितनी सुंदर पतंग है ये तो। हाँ सच में, ये तो बहुत ही सुंदर पतंग है, पर ये तो बहुत ही ऊपर अटकी हुई है। राजू बिना सोचे समझे पेड़ पर चढ़ जाता है और पतंग को उतार लाता है। वो दोनों उस पतंग को घर ले आते हैं, पर घर में हमेशा की तरह उनके माता पिता में लड़ाई हो रही होती है और इस बार तो इतनी लड़ाई होती है कि हरिया घर छोड़कर चला जाता है। बेचारे बच्चे बहुत रोते हैं, उनकी माँ भी बहुत रोती है। उस दिन घर में खाने को कुछ भी नहीं होता। बेचारी माँ बच्चों के खाने के लिए बड़ी ही परेशान हो रही होती है, पर वो करे भी तो क्या करे। तुम रो मत माँ, हम कुछ ना कुछ काम करके खाना ले आएंगे। पर हम तो छोटे हैं ना, हम क्या काम कर सकते हैं? कोई नहीं, हम कुछ ना कुछ जरूर सोच लेंगे। पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। राजू अपने कमरे में उदास बैठा सोच ही रहा होता है कि उसकी नजर उस पतंग पर जाती है। कितना मन था मेरा कि 15 अगस्त को ये पतंग उड़ाऊंगा, पर ये क्या हो गया, घर में खाने तक को नहीं है। एक काम करता हूँ, मैं इस पतंग को बाजार में जाकर बेच देता हूँ, कुछ पैसे तो आएंगे, फिर मैं उससे कुछ खाने को ले आऊंगा। राजू बड़े उदास मन से उस पतंग को उठाता है, पर तभी उसमें से आवाज आती है, मुझे मत बेचो, मुझे मत बेचो। राजू इधर उधर देखने लगता है, पर वो आवाज तो पतंग से आ रही होती है। राजू बड़ा ही हैरान होकर उस पतंग को ध्यान से देखने लगता है। ये क्या, ये आवाज तो इस पतंग से आ रही है। हाँ, मैं इस पतंग से ही बोल रही हूँ, मैं एक भूतिया पतंग हूँ और एक जादुई पतंग भी। क्या, सच में? हाँ सच में। एक काम करो, तुम मुझे ठीक 12 बजे छत पर लेकर जाओ और आसमान में उड़ाओ। आसमान में उड़कर मेरी शक्तियाँ तेज हो जाती हैं, फिर मैं तुम्हारे लिए जादू से कुछ भी कर सकती हूँ। हमारे घर खाने को नहीं है, तो क्या तुम हमारे लिए खाने को ला सकती हो? हाँ बिल्कुल। राजू उस भूतिया पतंग की बात मानकर बिल्कुल वैसा ही करता है और उसे रात को 12 बजे छत पर ले जाकर उड़ाने लगता है। जैसे ही पतंग हवा में उड़ना शुरू करती है, उसमें राजू को एक भूतिया शक्ल दिखती है। मैं आजाद हो गई, कितने सालों बाद मैं खुले आसमान में उड़ रही हूँ और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। बताओ बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें सब दूंगी। मेरी माँ, मेरी बहन सुबह से भूखे हैं, हमें खाने को चाहिए। ठीक है, अभी लो। भूतिया पतंग ऊपर से खाने की बारिश करने लगती है। राजू की छत पर घर के खाने का सारा सामान गिरने लगता है। राजू तो ये देखकर खुशी से पागल हो जाता है।
ये तो कमाल ही हो गया, ये तो सच में जादू हो गया। तुमने मेरी बहुत मदद की, तुम बहुत अच्छी हो। भूतिया पतंग उड़ते उड़ते नीचे आती है। उसके बाद वो एक आम पतंग में बदल जाती है और उसे वापस उसी जगह पर रख देता है। उसके बाद वो सारा खाने का सामान अपनी माँ को जाकर देता है। अरे राजू, ये सब खाने का सामान तू कहाँ से लेकर आया? माँ, वो पतंग है ना जो मुझे पेड़ पर टंगी मिली थी, वो कोई आम पतंग नहीं बल्कि एक भूतिया पतंग है। राजू अपनी माँ और बहन को भूतिया पतंग की पूरी कहानी सुनाता है। वो लोग तो सुनकर घबरा ही जाते हैं, पर राजू उनको समझाता है कि वो एक अच्छी भूतिया पतंग है, जैसे कहानी में जिन एक चिराग में कैद था और वो अपने मालिक की सारी बातें मानता था, वैसे ही इस पतंग की डोर बंधी हुई है, तब तक वो अपने मालिक की सुनेगी। क्या सच में वो भूतिया पतंग से हम कुछ भी मांग सकते हैं? मतलब खिलौने, कपड़े, सब कुछ? चलो ना, मुझे भी दिखाओ ना। नहीं पिंकी, अभी नहीं, रात को 12 बजे उसे चांद की रोशनी से ताकत मिलती है, और तुम्हें तो पता ही होगा सभी भूत 12 बजे ही जागते हैं। ठीक है, मैं कल का इंतजार करती हूँ, फिर हम कल उस चुड़ैल से ढेर सारी खाने की चीजें मांग लेंगे। अगले दिन वो ऐसा ही करते हैं। रात के 12 बजे वो पतंग को छत पर लेकर जाते हैं और उसे उड़ाने लगते हैं। जैसे वो भूतिया पतंग आसमान में जाती है, उसमें भूतिया शक्ल दिखने लगती है। शुक्रिया तुम्हारा जो तुमने फिर से मुझे आजाद किया। बताओ आज तुम्हें क्या चाहिए? आज मुझे नहीं बल्कि मेरी बहन को कुछ चाहिए। हाँ, मुझे ना ढेर सारे नए कपड़े और एक सुंदर सी गुड़िया चाहिए। ठीक है, अभी लो। भूतिया पतंग ऊपर से कुछ नए कपड़े और एक सुंदर सी गुड़िया नीचे गिराती है। पिंकी झट से उनको उठा लेती है और खुशी से पागल हो जाती है। वाह, ये कपड़े कितने सुंदर हैं और ये गुड़िया तो बहुत ही प्यारी। आप बहुत बहुत अच्छी हो, आपका बहुत 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 शुक्रिया। ये तो मेरा फर्ज था। उसके बाद भूतिया पतंग आसमान में यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ उड़ती रहती है। राजू और पिंकी दोनों बड़े ही खुश होते हैं। धीरे धीरे उनके घर की सारी परेशानी दूर हो जाती है। उनको किसी चीज की दिक्कत नहीं होती। उनकी जिंदगी बड़ी ही खुशी खुशी चल रही होती है कि एक रात पड़ोस में रह रहा रमेश उस पतंग को देख लेता है। ये भूतिया पतंग तो मुझे हर हाल में चाहिए, इससे मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाऊंगा। रमेश इंतजार करता रहता है कि कब राजू उस पतंग को नीचे उतारे। जैसे ही राजू उस पतंग को नीचे उतार कर उसे अपने कमरे में ले जाकर रख देता है और सब सो जाते हैं, तभी रमेश चुपके से आकर उस पतंग को चुरा लेता है। जब सुबह राजू को अपनी पतंग नहीं मिलती तो वो बड़ा ही परेशान हो जाता है। ऐसे कैसे कहीं चली गई मेरी पतंग? रात को तो यही इसी कमरे में रखी थी मैंने। कहीं वो भूतिया पतंग खुद से तो नहीं चली गई? राजू, पिंकी और उसकी माँ पूरा घर ढूंढ लेते हैं, पर पतंग का कुछ पता नहीं चलता। बेचारे बड़े ही उदास हो जाते हैं। कितने दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। फिर एक रात राजू जब अपनी खिड़की पर खड़ा होता है तो उसे वही पतंग आसमान में उड़ती दिखती है। अरे, ये तो मेरी भूतिया पतंग है, पर इसे उड़ा कौन रहा है? मुझे बचाओ, इस आदमी ने मुझे चुरा कर अपने पास कैद कर लिया है, मुझे बचा लो। राजू सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो उस भूतिया पतंग को कैसे बचाए। मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा, मुझे ये अंकल पतंग वापस तो देने से रहे, और वो इस पतंग को बड़ा ही छुपा कर रखते होंगे। इस पतंग ने हमारा इतने बुरे वक्त में बड़ा साथ दिया है, अब मेरी बारी है। अगली ही सुबह राजू एक पतंग और पक्का मांझा लेकर आता है। फिर रात को ठीक 12 बजे वो छत पर चढ़ जाता है और अपनी पतंग उड़ाना शुरू कर देता है। उधर दूर उसे वही अपनी भूतिया पतंग उड़ती दिख रही होती है। राजू बड़ा ही अच्छा पतंगबाज होता है। वो अपनी पतंग को आसमान में उड़ाने लगता है और भूतिया पतंग के साथ पेचे लड़ाकर उसे काट देता है। अरे मेरी पतंग, मेरी जादुई पतंग कट गई रे। अब आया ना मजा, बुरे काम का बुरा नतीजा। मैं आजाद हो गई। हमेशा के लिए मुझे आजादी मिल गई। भूतिया पतंग खुशी खुशी उड़ी रही होती है कि उसकी नजर राजू पर पड़ती है। राजू के पास मांझा और पतंग देख वो समझ जाती है कि उसी ने उसे आजाद किया है। उसके बाद राजू उदास मन से नीचे आ जाता है। राजू अपने कमरे में जाकर लेट जाता है कि तभी उसकी नजर भूतिया पतंग पर पड़ती है
जो उसके कमरे में उसी जगह पर रखी होती है। तुम यहाँ कैसे? मैंने तो तुमको आजाद कर दिया था ना। उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने जो मेरे लिए किया वो कोई और नहीं कर सकता था। मैं अब आजाद हूँ, पर मैं फिर भी हमेशा यहीं रहना चाहती हूँ। अगले दिन 15 अगस्त को सब अपनी अपनी पतंग ले आते हैं। पूरा आसमान रंग बिरंगा हो रहा होता है। राजू भी अपनी भूतिया पतंग लेकर छत पर चढ़ जाता है और बस फिर दोनों मिलकर उस दिन खूब पतंग काटते हैं। उसके बाद वो पतंग हमेशा राजू के पास रहती है।